यही कहूंगा, जो लोग राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, अपनी पार्टी के वकील रामलला को मुकदमा हराने के लिए खड़े करवाते रहे, जिनका लगातार प्रयास रहा कि राम मंदिर ना बने, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे भी नजर नहीं आए, उसके बाद भी नजर नहीं आए, ऐसे नेताओं से मैं ही कहूंगा जितनी मर्जी चादरें चढ़ा लो, आना राम जी के चरण में ही पड़ेगा। आज आपने रामलला जी से क्या, हमने तो चिट्ठी दी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी, क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए, कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नजर क्यों आई, क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए, कैसे उनको विदेश जाने दिया, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। हमने पहले दिन से कहा नारी की अस्मिता हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमने नारी शक्ति बंधन बिल भी लाए, उनके लिए 33% आरक्षण भी लेकर आए, देश भर में हमने 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में, तो वहीं पर मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर 7.5% ब्याज देने से लेकर अनेकों योजनाएं हमने नारी शक्ति के लिए ले आए, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर बाकी मातृशक्ति वंदना योजना, ये सब मोदी सरकार की मातृशक्ति के लिए महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। और हम पहले दिन से कहते हैं महिलाओं के प्रति अगर कोई भी अत्याचार करता है, दुराचार करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। और कांग्रेस की सरकार इसमें फेल हुई कि राज्य में सरकार होने के बावजूद, मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से और खड़गे जी से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक के राज्य से ही आते हैं, वहां उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं कदम उठाया गया गिरफ्तारी करने के लिए।